नागार्जुन ऑडिटोरियम लेह में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में 63वें फाउंडेशन डे को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। को करिकुलर एक्टिविटीज में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को असनाद और इनामात से नवाजा गया। CIBS एडमिनिस्ट्रेशन अफसर केम्पो कोंगचुक रिगजन ने तमाम हाजिरीन को मुबारकबाद पेश की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज वजारत कल्चर के तहत एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी बुनियाद 1959 में रखी गई थी। सेंट्रल केंद्र बौद्ध विद्या संस्थान ले का जो 63वां जो स्थापना दिवस अभी मना जा रहा है, क्योंकि ये संस्था जो ना पहले 1959 में स्थापित हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके ये संस्था जो डेवलप होते गया है। ये संस्था अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर से है, और इस संस्थान में जो 2016 से ये संस्था जो ना UGC ने डीम टू बी यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस दिया गया है, तब से लेकर इस संस्थान में बहुत से जो एक्टिविटीज़ अभी हो रहा है। इस संस्थान में विशेष करके जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का जो फोकस दे रहा है, ट्रेडिशनल एजुकेशन का मन जो कि पहले ज़माने में जो इंटायर हिमालय रेंज से जो बहुत भिक्षु लोग है या बुद्धिस्ट लोग है या कोई और भी लोग है जो 5 महाविद्याओं के अध्ययन के लिए तिब्बत जाया करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से तिब्बत नहीं रहा है। उसके बाद जो परम पावन कुशो बकुल रिम्पोचे जी जो पास हुए थे, उन्होंने ये प्रपोजल सबसे पहले पंडित नेहरू जी को रखा था कि इस तरह के यहाँ के एक केंद्रीय बुद्ध विद्या संस्थान का एक स्थापित होना चाहिए। फिर पंडित नेहरू जी ने इसका स्वीकार किया है, तब से लेकर ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये संस्था चल रहा है। इसमें अभी बहुत से जो विषय अलग अलग विषय पढ़ाया जा रहा है, विशेष करके जो अपना बौद्ध धर्म दर्शन और कल्चर, जो कला और जो सारे जो पेंटिंग कला है, और विशेष करके जो सौरिक का जो आयुष का जो है परंपरा है, वो काफ़ी मायने में यहाँ पर उनके जो अध्ययन अध्यापन हो रहा है। तो इसलिए ये संस्था जो है ना बाकी यूनिवर्सिटियों से बढ़ करके, बाकी जो संस्थाओं से बढ़ करके ये एक विशेष यूनिवर्सिटी है, जिसके लिए अभी यहाँ बहुत से कम 1000 के लगभग यहाँ स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, और इसमें को एजुकेशन भी है, नान और मोंस और बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी इसमें जो अध्ययन कर रहा है, और कई यहाँ पर जो प्रोफेसर्स है, रीडर्स है, लेक्चरर है, और ट्रेडिशनल जो है जैसे कि थंका पेंटिंग्स वाला हो, मूर्तिकला हो, शिल्पकला हो, जो सौरिक जो है जो टिबेटन मेडिसिन का जो है वो सौरिक कहता है। तो इसलिए ये संस्था जो है ना अभी स्थापित हो करके 63 ईयर्स अभी हो गया है, जिसके जो एनुअल जो फाउंडेशन डे हम हर साल मनाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से जो कोविड की वजह से हमने इसको जो मना नहीं पा रहा है, लेकिन इस साल हमें इसको अभी दोबारा मना रहा है, जिसके अध्यक्ष अभी परम पावन डुक्चन रूप तुषार रिम्पोची जी आए हुए हैं, और बहुत से और गण्यमान्य जो ले से आए हुए हैं। तो इसलिए हमें ये संस्था ये जो संस्था है जो लद्दाख में नहीं बल्कि पूरा हिमालय क्षेत्र में एक विशेष ये यूनिवर्सिटी है, और विशेष करके एक यूनिवर्सिटी है जिसमें जो पारंपरिक शिक्षा है इसमें सुचारू रूप से दिया जाता है। ये संस्था एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से अभी जो 2016 से जो यूनिवर्सिटी के जो स्टेटस दिया है UGC ने, तब से लेकर हमने ये UGC की रूल रेगुलेशन को हमने इस पर फॉलो किया, इम्प्लीमेंट किया है, और उसी हिसाब से UGC के रूल रेगुलेशन के हिसाब से जितने भी जो यहाँ के स्टाफ टीचिंग और नॉन टीचिंग सबको जो 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 ग्रेड जो पे जो ग्रेड है वो पूरा UGC के रूल के मुताबिक यहाँ दे रहा है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा इसके भरपूर इसके जो सहायता रहता है, और यहाँ पर भी और भी VC आने वाला है, और रजिस्टर आने वाला है, और ड्यूटी रजिस्टर आने वाला है, सभी यहाँ पूरा आ जाएंगे। फिलहाल अभी हमारा जो नालंदा महाविहार के जो VC है प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी, वो यहाँ पर इंचार्ज पर है, डायरेक्टर के इंचार्ज पर है, तो वो नए VC आ जाएंगे, तो वो उसका नए VC आ जाएंगे, तो फुल फ्लेश यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपने स्वतंत्र रूप से चलेंगे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो ना हमें
पूरा भरपूर यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो ना काफ़ी यहाँ करोड़ों के हिसाब से जो बजट यहाँ प्रोवाइडन करते हैं, तो इसलिए हमें इस संस्था को आगे भी बढ़ाना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से सारे जो भरपूर इनका एजुकेशन पे कमी ना हो और फैसिलिटीज़ का कमी ना हो, हॉस्टल की कमी ना हो और लाइब्रेरी और सारे जो क्लासरूम के सारे हमें प्रोवाइड ठीक तरह सुचारू रूप से इनको हमें चलाता है।